तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस है। तो पहले भी हम कई इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू कर चुके हैं, वैसे ही आज हम एक और इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू करने आ चुके हैं। पर जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये पहले से ही काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। जो आती है एथर कंपनी की तरफ से, इसके मॉडल का नाम है 450X। तो आज करते हैं इसका रिव्यू, बताते हैं आपको कैसी है स्कूटी, क्या कुछ आता है स्कूटी में। सबसे पहले इसके बॉडी स्ट्रक्चर एंड इसके डिजाइन को लेके, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी पतला रखा गया है और डिजाइन एरोडायनामिक रखा गया है, जिससे इसकी स्पीड काफी अच्छी आए और लुक में यूथ को काफी पसंद आए। तो जैसा कि आप इसका लुक देख ही सकते हैं कि ये यूथ को तो काफी पसंद आता ही है, सभी को काफी पसंद आता है। लुक इसका स्लिम रखने की कोशिश की गई है और हाइट भी काफी अच्छी दी गई है। तो लुक में कंपनी ने ज्यादा इसमें यूं है ब्रांडिंग वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जगह जगह पे छोटी मोटी ब्रांडिंग दे रखी है जो प्रिजलेंट के तौर पे इसकी लुक को काफ़ी एनहेंस कर देते हैं। सामने अगर आप देखें तो इसमें LED टेल लैंप आपको मिल जाती है वी कट शेप में, साथ ही में पीछे भी आपको LED ही टेल लैंप मिलते हैं यू कट शेप में, और आपको इंडिकेटर वगैरह भी LED ही मिल जाते हैं इसके साथ में, जो काफ़ी अच्छे हैं बैटरी कंजप्शन को देखते हुए। इसकी ब्रांडिंग के प्रिजलेंट्स को देखते हुए और जगह जगह पे इसका जो कार्बन फाइबर का यूज़ किया है उसको देखते हुए इसकी लुक में काफ़ी एनहेंसमेंट मिलती है। साथ ही में अगर अब हम इसमें बात करें इसके बॉडी मटेरियल के बारे में, तो बॉडी मटेरियल इसमें सारा हमको फाइबर मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद अगर आप इसके मीटर कंसोल पे आएं तो इसमें 7 इंच की LED स्क्रीन आपको मिल जाती है, जिसमें इसके बारे में हर एक चीज़, मतलब आपको फ्रंट टायर के टायर प्रेशर से लेकर आपकी बैटरी कितनी बची है, किलोमीटर कितने और दे देगी, कितने किलोमीटर चल चुकी है, हर एक चीज़ को लेके डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है इसमें। साथ ही में आप अपने इसको फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें गूगल मैप भी चला सकते हैं। इसमें जो टायर साइज़ है वो हमको 90-90-12 का टायर साइज़ मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर हमको इसमें मिलेंगे विद एलॉय रिम्स। साथ ही में अगर हम देखें तो फ्रंट और बैक हमको दोनों ही डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पिछले टायर में भी एलॉय मिलेंगे। इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरह हब मोटर हमको नहीं मिलती, इसमें BLDC मोटर है जो चैन सिस्टम से काम करती है। हम मोटर पे आ चुके हैं तो मोटर बता देते हैं हम, 2.5 किलोवाट की हमको इसमें मोटर मिल जाती है जो काफ़ी पावरफुल है। साथ ही में हमको इसमें 3 स्पीड मोड मिल जाएंगे, सिटी मोड, राइड मोड, स्पोर्ट मोड। सिटी मोड में ये आपकी तकरीबन 50 तक की स्पीड आराम से दे देगी, और राइड मोड पे ये आपकी करीबन 70-75 की टॉप स्पीड दे देगी, और स्पोर्ट मोड में ये आपकी 100-110 तक की नॉर्मल स्पीड दे देगी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, वहीं पीछे आपको मोनोशोकर सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट में स्पेस आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, पर सामान आपका अच्छा खासा सामने भी फ्रंट में आ जाएगा, पर जो बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप आराम से अपना हेलमेट कैरी कर सकते हैं या चार्जर कैरी कर सकते हैं। फ्रंट में अगर आप देखें तो इग्निशन के साइड में आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी, जहाँ से आप चार्जर प्लग इन करके इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पे अगर हम आए हैं तो बता देते हैं 2.5 से 3 घंटे में ये आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। फुल चार्जिंग में ये आपको 70-116 किलोमीटर तक दे देगी, वो मतलब मोड में डिफरेंस आएगा, जिस मोड पे आप चलेंगे उतना किलोमीटर घटता बढ़ता रहेगा। तो आज की थी हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कैसी ये लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी एथर कंपनी की तरफ से आने वाली, ये हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।